अलाउद्दीन ग्रेगर रहमत के गवर्नर जो बड़े अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े स्ट्रॉन्ग थे, ही हैड नो चॉइस बट आफ्टर द स्ट्राइक ऑफ टू डेज डॉक्टर रजी रहमत सेंट बैक एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो तीसरी बात जो मुझे जो मेरी मेमोरी में वो है नष्ट कर चुकी है वो ये है, हमारे प्रोफेसर थे इंग्लिश के उस वक्त बासर जगानी साहब, वो कहा करते थे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम सिर्फ हासिल ही करने आप करने आते, यूज टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नमेंट कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसे यू कम हियर टू लर्न हाउ टू लीड योर लाइफ, एजुकेशन तो आप किसी और कॉलेज में जाकर भी आ जाएंगे, सीख लेंगे, किताबों से भी पढ़ लेंगे, यू नीड एंड गवर्नमेंट कॉलेज के पार्ट्स अपनी वैल्यूज और ट्रेडिशन और कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपने अच्छा सिटीजन कैसे बनना है, आपने इस अपने जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे उसमें है कि जहां गवर्नमेंट कॉलेज की तालीमी मैार उस वक्त भी और आज भी दुनिया के बेहतरीन तालीम इंस्टीट्यूशन में से एक था, लेकिन इसके साथ साथ जो इसको डिस्टिंग्विश करती है दूसरे अदारों से, आप देखें कि बड़े बड़े नाम, अभी कई नाम, आप कोई भी महकमा ले बड़ा किया, उन्होंने मैंने किसी तबके को नहीं बख्शा, और अगर एक किसी तबके को बख्शा है कोई ऑडिट, मैं तो ऑडिटर हूं बेसिकली, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं अल्टीमेटली, दैट वाज माय प्रोफेशन, तो कल मैं मुझे बताए हॉल से कि किस तबके को उन्होंने बख्शा, इट वाज पुलिस हिज ओन डिपार्टमेंट, सो आई थिंक आई कॉम्प्लीमेंट हिम टू बी patronizing his own department, obviously his first loyalty to his own department, so I was very happy to see ke unhone politician ko bhi latada, ministers ko bhi latada, har ek ko, lekin aakhir mein unhone ko ek lafz bhi, main samajhta hu ki pakistan agar ye tamam limonaye jo hamare jo is to survey log hai whichever bank mein belong to, अगर ये प्रोडक्टिव थिंकिंग करें तो पाकिस्तान आजाद आसिफ साहब है, जबर साहब है, एहतजाज चौधरी साहब है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज का बॉर्डर लोन, तो मैं आपको ज्यादा गर्व नहीं करना चाहता, इकोनॉमी की तरफ और ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी जो मैंने मानसून की थी
अभी यहाँ पर ओल्ड रावियंस के बहुत से असातिज़ा इकराम का जिक्र हुआ, जिसमें डॉक्टर नज़ीर का भी जिक्र हुआ। और डॉक्टर नज़ीर टीचर तो जूलॉजी के थे, लेकिन ज़्यादा रोल उनका प्रिंसिपल के तौर पर गिना जाता है। और जब वो प्रिंसिपल थे तो उस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी, तो उनकी शख्सियत ने जो मेरे ऊपर छाप लगाई, वो कुछ लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहती, कि मैंने जो अपने 20-22 साल एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारे वो कामयाब साल थे। और मेरा, मैं समझती हूँ कि उस कामयाबी का सेहरा डॉक्टर नज़ीर की शख्सियत के ऊपर है, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर थी। वो इसलिए मुतासर थी कि उनमें देखने में तो वो मेरी तरह शॉर्ट स्टेटेड आदमी थे, लेकिन वो अपनी अपने जो काम था उसमें बहुत पकड़े। इसलिए कभी उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जिससे बाद में वापस लिया हो या शर्मिंदगी हुई हो। तो जब यानी छोटे छोटे कामों से वो स्टूडेंट्स को अपने बहुत करीब, आपने देखा कि प्रिंसिपल के ऑफिस का जो दरवाजा वो तकरीबन 11-12 फुट ऊपर मरे, तो डॉक्टर साहब ने कहा अरे बहुत डर गई, फिर मैंने कहा क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि इसमें मुझे यहाँ कुछ हो गई, मैंने तो कहते हैं आपके एरिए में नहीं है, कि मैंने कहा होगा तो कुछ उन्होंने बारे में फिर करूँगा। मैं अगर लेकिन उन्होंने फॉर्म पर साइन किए, क्लर्क को बुलाया, उससे बहुत लगवाई और कह रही नहीं इस बात मैंने कर लगा। और इस बात को जब मैं प्रिंसिपल लगी दफा कॉलेज में, तो ये मैंने उसको प्रैक्टिस की। और मुझे एक दफा मेरे किसी कॉलेज ने कहा, मेरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, कि जो रिवाइज आप अपनी यूनिवर्सिटी में डाल रही हैं ये आने वाले वाइस चांसलर को बड़ी तकलीफ देगा। मैंने कहा भाई आप किसी को रोकते नहीं, जो भी है दरवाजा खोलता अंदर आ जाता है, और आप उसका जो मसला हल करते उसको बाहर भेज देती हैं। लोग प्रोटोकॉल में बिलीव करते हैं, वो वाइस चांसलर क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि कुर्सी का दबदबा रोब हो। मैं कह रोब मेरे काम का है, जैसे डॉक्टर नज़ीर का था। मेरा रोब ये नहीं है कि मैं खलकत को बाहर धूप में इंतजार में खड़ा रखूं और खुद अंदर बरजमान रहूं। ये थी उस शख्स की शख्सियत जिससे हम मुतासर हुए। दूसरी जो उनकी मिसाल है वो ये है कि हमें एक डॉक्टर अजीम जो कि हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट थे, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल का टेस्ट होगा केमिस्ट्री के लिए, पर नो कोऑपरेटिंग विद द क्लास। तो ये एक ऐसा डिसीजन था जो कि हमें फोटोकॉपी लेवल पर भी लेना चाहिए। हमारी आपस में कोऑपरेशन नहीं, हम आपस में बिक्री डिसी कौन है, हम कहते हैं कि ठीक है मेरा काम निकल गया, मैं क्यों किसी को साथ लेके चलूँ। ये बातें जब हमने अपने पल्ले बांधी तो हमें, मुझे कम से कम एक बहुत सी कामयाबियाँ मिली उस वजह से कि मैंने कहा मेरे पास ठीक है, जब डॉक्टर नज़ीर कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती, ठीक है। बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब आप हुकूमत को अपोज करते हैं, जब आप अपने सेक्रेटेरियट को अपोज करते हैं, तो वो फिर ये कहते हैं कि हम देखेंगे बड़ी अपनी रिया सीधा करके रख देंगे। सीधी तो मैं नहीं हूँगी, सीधी होने के बजाय रिटेरी में कर जाएगी। और आजकल क्योंकि मेरी चलियोर खत्म होगी, तो आजकल वो जो टेढ़ा खाना है अपने घर हाँ मनमाने का जो एक जज्बा है ना, हमें वो तबाही की तरफ लेके जाए। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जिनका बहुत जिक्र हुआ, हम सब काबिल एहतराम के अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं, अपना रूहानी विश्वास समझते हैं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को कहा गया कि उनकी कदमों की चाप हमें कॉरिडोर में सुनाई देती है। मेरा ख्याल है वो कदमों की चाप इतनी धीमी थी कि वो लोरी की थाप हो गई है और सारे के सारी कौम सोई हुई है उसको सोकर। इस वक्त ओल्ड रावियन के पास एक ऐसा फोरम है कि वो इस सोई हुई कौम को जगाएं, इसमें जो जज्बा है, जो आपके मुस्तकबिल के बंदे आके उसको पढ़ें और उसमें जिंदा रहें। हमें हाल में जिंदा रहना है और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना है, वरना तो ये हो जाएगा याद माजी अजाब है या रब छीन दे मुझसे हादसा मेरा। थैंक यू। हाजिर हजरात, मैं आप लोगों का मशहूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अगर
मैं अपने ये बात मैं क्लियर कर देना।